मैं प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट के स्कूल को कंपेयर करना चाहता हूँ। उसमें क्या है कि गवर्नमेंट के स्कूल में हमें फ्री यूनिफॉर्म मिल रही है, हमें खाना मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रहा है, बुक्स मिल रही हैं, और लास्ट में यह था कि उधर 3 साल के जाते थे वो भी हमारे स्कूल में, अब इस बार एडमिशन हो गई है। रही बात स्टाफ की, हमारे गवर्नमेंट स्कूल में ट्रेन टीचर हैं और प्राइवेट स्कूल में जो है वो ट्रेन टीचर नहीं है। तो हमारा ये मिशन है कि सभी बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों में आए। गवर्नमेंट का ये मिशन है, हमारे जडियो साहब भी मेहनत कर रहे हैं, टीचर बलात्री भी मेहनत कर रही है। भी यहाँ से एक ब्राह्मण किसान हूँ, एक फोबिया जो मैं कह रहा हूँ, ये बना हुआ है लोगों के कहीं प्राइवेट स्कूलों में हम बच्चे दाखिल करेंगे। आज मैं कहता हूँ कि तराजू में अगर रखे जाए सरकारी स्कूल चाहे प्राइवेट स्कूल, तो प्राइवेट स्कूल जो है वो काफी ऊपर चला जाएगा, उसका भेद ही नहीं कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे मेरा मकसद वो नहीं है कि 10 से 4 बजे तक बैठना, मेरा मकसद यह है कि काम हो, जितना ज्यादा से ज्यादा काम हो। आज ट्रेजरी में हमारे बिल्स जो है वो गए हुए हैं, शायद आप सब लोग जानते हैं, और इन्होंने दिन रात करके वो तैयार किए हैं। मैं ऑफिस वालों को भी और जडियो साहब को भी बधाई देना चाहता हूँ कि एक अच्छा काम जो है वो इस समय चल रहा है। तो बाकी ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक ही निवेदन करूंगा सभी लोगों से अपने बच्चे से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजें, और हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे उसमें, बच्चों को अच्छे से अच्छे पढ़ाएंगे। यूनिफॉर्म नहीं ले सकते हैं, फीस की परेशानी आ जाती है, तो बच्चों को हर चीज वहाँ पे फ्री मिल रही है, रहना खाना सब कुछ, और टीचर जो बहुत मेहनत करवाते हैं, हमारी जो कुक है वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, टाइम से आती है, टाइम से अपना हर काम टाइम से हो रहा है। हमारे जो जडी साहब हैं उन्होंने पिछले साल भी बहुत सामान बच्चों को दिया है। आप बच्चों से बात कर सकते हैं, जो बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, और आप ये भी देख सकते हैं कि वो बच्चे यहाँ से निकल के आगे कॉलेज तक पहुँच गए हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि बेटियों की पढ़ाई बहुत जरूरी है। जो बेटियाँ हैं ना, ये सिर्फ एक घर को रोशन नहीं करती है, ये दो घर को रोशन। हिंदुस्तान सारी जन्मभूमि है, हिंदुस्तान सारी स्वर्ण भूमि है, हिंदुस्तान सारी जड़ी है ये पुण्य भूमि है। इतने जिन्ने भी लोग हैं वो सौभाग्यशाली है। रही गल शिक्षा की, कैसे शिक्षा प्राप्त करने का साधन के है प्यारे बच्चों, और इतना के जेड़े गांव पास है ना, आज ये कम्युनिटी अवेयरनेस कैंप है। कंप्लेन कर देगा मेरे को खुश करो ना, हकीकत में बोल रहा हूँ, रोजा रखा हुआ मैंने, सच बोल रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे वो दिन भी याद है और आज का दिन भी मैं देख रहा हूँ। मैं कल से निकला हूँ इसी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम के लिए, कल मुथियाणी मैंने किया, उन लोगों को देख के बड़ी खुशी हुई, उसके बाद बलान हाई स्कूल में किया, वहां पर भी खुशी महसूस हुई, आज सुबह त्रैठ गया और अभी यहाँ मोगला में हूँ आपके सामने, ये खुशी महसूस हो रही है। कुछ लोग गिरा करते हैं कि टीचर लोग पढ़ाते नहीं है, तो मैं जब से आया हूं यहां पर तब से देख रहा हूं, बायोमेट्रिक आ चली है, फेस वाली मशीन आ चली है, तो मैंने मई में शुरू करी थी फेस वाली मशीन। आप बोलेंगे कैसे कैसे थी उस समय मशीन, कहां पैदा हुई थी, कहां थी, उसके लिए गाइडलाइन इशू की थी, विडो थी, डाइवर्स थी, ऑर्फन थी, कोरेस्ट था, जितना मेरे नॉलेज में था या मेरी कमेटी के नॉलेज में हमने किया कर दिया। कहने का मतलब कि वो 15-16 आदमी जो हमारे यहाँ पर नए मुलाजिम लगे हैं उनको भी कोई काम दिया गया है, उन्होंने भी काम करना है। कितनी फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे रही है भाई, कहाँ कहाँ कमी है मुझे ये बताएं, कहाँ कमी है। आज बिल्डिंगों को देख के आदमी लगता है कि ये वो पैलेस बने हुए हैं, बड़े बड़े राजू महाराजों के पैलेस बने हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके टाइम्स, और इस वक्त हम मोगला जोन में हैं, जहां पर आज जोन की बात करें तो जहां पर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की तरफ के हवाले से जो जडियो मोगला हैं उनकी तरफ से एक प्रोग्राम करवाया गया, जिसमें जहां के जो लोग हैं उन लोगों को कहा गया कि आप अपने प्राइवेट स्कूल्स की तरफ ना जाते हुए गवर्नमेंट स्कूल की तरफ आएँ, क्योंकि आज गवर्नमेंट हर एक फैसिलिटीज़ जहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रोवाइड कर रही है, और जहाँ के टीचर्स की बात करें वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं, और उनसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जडियो मोगला हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे आज के लिए जो आज का जो प्रोग्राम था उसके बारे में आप बताएं। आप लोगों का बहुत बड़ा शुक्रिया जी, जो आप कीमती वक्त निकाल के आए हैं। आज का प्रोग्राम जो है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के रिलेटेड है, और इसमें गवर्नमेंट की जो भी जितनी स्कीमें हैं
वो यहाँ पर आपको पता है उजागर की गई, लोगों को अवेयर उससे किया गया कि 3 साल वाले बच्चे को भी एडमिशन जो है यहाँ पर दी जा रही है और वहाँ उनको लिए किताबें फ्री हैं और यूनिफॉर्म फ्री है, स्कॉलरशिप है और बाकायदा बिल्डिंग अच्छी अच्छी बनी हुई हैं और बाकी अब हर तरह का स्कॉलरशिप दे रही है गवर्नमेंट, ST को अलहदा दे रही है, पहाड़ी को अलहदा दे रही है, SC को अलहदा दे रही है और मेरिट से जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी दे रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का बड़ा पान है इस वक्त, गवर्नमेंट बहुत बड़ी मेहरबान है इन गरीब लोगों पर जो यहाँ के गरीब लोग हैं और इतने फार फ्लंग एरिया में देखो एक कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम पढ़ा, कोई मुर्जी बात नहीं है लेकिन गवर्नमेंट की एक सहायता की वजह से, गवर्नमेंट की हेल्प की वजह से हम लोगों ने यहाँ पर प्रोग्राम कराया है और आप लोगों को मौका दिया यहाँ पर आने का। जी जहाँ तक बात करें गांव की भी, आजकल जो गांव के लोग भी हैं वो ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स की तरफ रुक कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उन लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जहाँ तक तलक है गवर्नमेंट स्कूल का, गवर्नमेंट स्कूल में हर तरह की फैसिलिटीज मौजूद हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है जी। अगर सही तरीके से दिखा जाए, सिर्फ लोगों को अवेयर करना है, हम लोगों ने आप लोग सब लोगों ने अवेयर करना है, इसमें PRI का फ़र्ज़ बनता है, हमारा फ़र्ज बनता है, टीचर कम्युनिटी का फ़र्ज़ बनता है, तो सब अवेयर करके ताकि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे एडमिशन लें और गवर्नमेंट स्कूल का फ़ायदा उठाएँ और इन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाएँ और आने वाले वक्त में हमारा इलाका ये चमके। जी जी आप बताइए कि आप जहाँ पर आए और जहाँ पर लोग भी आए थे, आप उन लोगों को और पूरी जो जोन मोगला है उन पर लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज जोनल हेडक्वार्टर मोगला पे JDO मोहम्मद लतीफ़ साहब की अध्यक्षता में एक मोबिलाइजेशन प्रोग्राम, पब्लिक मोबिलाइजेशन और साथ में इनरोलमेंट ड्राइव, उसको लेकर के कार्यक्रम किया गया और मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजें, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में जिस प्रकार से JDO साहब ने बताया कि हर एक फैसिलिटी जो है, जैसा स्कॉलरशिप हो गया, फ्री यूनिफॉर्म्स हो गई, नर्सरी, LKG, UKG ये क्लासेस हो गई और खेल का सामान हो गया, हर एक चीज़ अच्छी से अच्छी चीज़ आज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में दाखिल करवाना मैसेज लोगों से करना चाहूँगा जी। उसके साथ आप का क्या संदेश है लोगों को लेकर? देखिए जहाँ तक कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का मकसद और मुद्दा यही है कि हर घर में तालीम आम करो, ये संदेश सरकार का जो ये पैगाम है ये हर घर में ले जाओ कि आपने आज स्कूलों में जो है हर किस्म की फैसिलिटी सरकार दे रही है, हमारे प्रधानमंत्री से लेके नीचे की सतह तक जो है जो अधिकारी है वो इस काम में जुटा हुआ है और ख़ासकर हमारा महकमा तालीम जो कि हमने पिछले 2 रोज़ से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर चौधरी मोहम्मद लतीफ़ की सदारत में कल हमारा मथियानी में एक प्रोग्राम हुआ, उसके बाद गलान हाई स्कूल में हमारा प्रोग्राम हुआ और तीसरा प्रोग्राम हमने कल आज जो है 3/8 में GMS 3/8 में किया, ये हमारा चौथा प्रोग्राम जो है हमने आज किया है और आने वाले कल में हमारा एक छुट्टी के दिन हमारे JDO साहब ने कहा कि हमें कोई छुट्टी नहीं करनी है, हमें लोगों की खिदमत करनी है, इन्हीं के लिए हमें तनख्वाह दी जाती है, हमारे जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में जितने लोग हैं हम शाना बशाना डटे हुए हैं, हम सरकार हैं, हम सरकार की उसके बाजू हैं, हम किसी भी किस्म की कोताही नहीं करेंगे और हमारे सरकार तक खुलेआम पैगाम है कि आप सरकारी स्कूलों में लाएं, हम तन मन अपने लगन से काम करने के लिए तैयार हैं, यही है पैगाम है हमारा जी। धन्यवाद जय। जहाँ के जो टीचर साहिबान थे उनका साफ कहना है कि लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जाकर ना, बल्कि अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में इतना अच्छा स्टाफ और इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उनका लाभ उठाएँ और आप देखते रहें JK टाइम्स। जय हिंद, जय भारत।